फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं कुछ ऐसे प्लांट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जिन्हें आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं फरवरी के मंथ में और बहुत ही आसानी से वो ग्रो भी हो जाती हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट में जो हमारा प्लांट है वो है हिबिस्कस का, और बहुत ही ब्यूटीफुल से इसके कलर होते हैं। बहुत ही इतने ज़्यादा कलर वेराइटी आपको हिबिस्कस प्लांट में मिल जाएगी कि बिल्कुल आपका गार्डन इसी के फूलों से भर जाएगा, इतने सारे इसमें कलर अवेलेबल होते हैं। तो आप हिबिस्कस की कटिंग इस समय लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, और आप उसको एयर लेयरिंग से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर आप उसकी कटिंग ऐसे ही लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक ऑरेंज है, मेरे पास बहुत सारे कलर हैं प्लांट के, अभी सारे खिले तो नहीं, ये रेड कलर का है। इसमें देखिए आज दो फ्लावर आए हुए हैं, ये भी थोड़ा ऑरेंजिस सा पीच सा कलर है। और यहाँ पर भी देखिए, मैंने सबको प्रून भी कर दिया था जिनकी अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी शुरू हो गई है। और प्रूनिंग के बाद अब एक हफ्ते बाद इनको फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दीजिए, आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद दीजिए, तो आपके प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो होने लगेंगे। ये देखिए, इसमें भी अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। यहाँ देखिए, मैंने एयर लेयरिंग भी करी है। तो जो फर्स्ट में है हमारा हिबिस्कस का प्लांट है, बहुत सुंदर सुंदर से इसमें फूल आते हैं। सेकंड प्लांट है एकजोरा, तो एकजोरा में भी आपको बहुत सारे डॉर्फ वेराइटी के मिल जाएंगे, लॉन्ग वेराइटी के मिल जाएंगे, टॉल वेराइटी के, तो आप दोनों में से किसी की भी कटिंग लगा सकते हैं और बहुत आसानी से इसकी भी कटिंग ग्रो हो जाती है। एक तो रेनी सीजन में ग्रो हो जाती है, क्योंकि फरवरी का मंथ होता है, इसमें भी ग्रो हो जाती है। देखिए, मेरा वाइट कलर का एक जोड़ा है, ये देखिए इस तरह से फूल आते हैं इसमें। और यहाँ पर मैंने इसकी एक ब्रांच टूट गई थी, उसको लगा दिया था, ये देखिए ये अलग से एक प्लांट मेरा तैयार हो गया है। तो ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ये भी लग जाता है। उसके बाद आप कोलियस की कटिंग लगा सकते हैं, अभी आपके पास कोलियस को काफ़ी ज़्यादा प्लांट अगर आपको बनाने हैं तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। सिर्फ ऊपर की छोटी सी ऐसे कटिंग लेकर के आप इसको लगा दीजिए कहीं भी सैंडी सॉइल में, तो बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाती है। और उसके बाद रोज़ की, तो आप रोज़ की भी कटिंग लगा सकते हैं, आप देसी रोज़ की कटिंग लगा सकते हैं। हाइब्रिड की तो नहीं उतनी अच्छे से चलती है और शायद फ्लावरिंग भी उसमें नहीं होती है, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है उसके बारे में, लेकिन देसी की कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है और मेरे यहाँ भी लगे हुए हैं कटिंग से। आप इस समय कलांचो की भी कटिंग लगा सकते हैं चाहे तो, कलांचो भी आपके यहाँ कटिंग से तैयार हो जाएंगे और बहुत सारे आपके पास प्लांट बन जाएंगे। ये देखिए, मैंने सारे कटिंग से इतने सारे प्लांट तैयार किए हैं कलांचो के, मेरे पास इस साल बहुत सारे प्लांट हो गए हैं। एक ही प्लांट से मैंने इतनी सारी कटिंग देखी तैयार की थी, और अभी तक इनमें आप थोड़ी थोड़ी फ्लावर बर्ड्स शायद निकल रही हैं ये वाले प्लांट में। और उसके बाद जो प्लांट आता है, आप पिंटास की कटिंग लगा सकते हैं, ये देखिए ये पिंटास का प्लांट है, और ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है, तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत अच्छा ये प्लांट है और पूरे साल ये फ्लावरिंग करता है, तो आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप हाइब्रिड विंका की कटिंग लगा सकते हैं, पूरे समर फूल देने वाला, पूरे साल ही ये फ्लावरिंग करता है मेरे गार्डन में। तो ये देखिए, मेरे लास्ट ईयर के प्लांट हैं, इनको मैं अभी प्रून कर दूँगी तो इन फिर से न्यू ग्रोथ होगी और फिर से इनमें फ्लावरिंग होने लगेगी, तो ये भी पूरे साल अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, तो आप विंका की भी कटिंग लगा सकते हैं। आप अभी एडेनियम की कटिंग लगा सकते हैं, जैसे आप प्लांट अपना प्रून करें उसके बाद जो भी कटिंग बचे तो आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत आसानी से इसकी कटिंग फरवरी के मंथ में चल जाती है। रेनी सीजन में तो इसकी कटिंग ज़्यादातर ख़राब हो जाती है, लेकिन इस समय अगर आप लगाते हैं तो आपकी कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाएगी, तो आप एडेनियम भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रायंगल हार्ट की कटिंग लगा सकते हैं, समर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट होता है, और हैंगिंग बास्केट में लगा हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ये देखिए, इस तरह से इसकी पत्तियाँ होती हैं और आप इसकी पत्तियों से भी ये ग्रो हो जाता है। अगर लीफ से आप इसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो एक एक लीफ को आप कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में रख दीजिए। मैंने लास्ट ईयर रखे थे, मेरे सारे प्लांट ग्रो हो गए थे। और आप टर्टल वाइन की भी कटिंग लगा सकते हैं इस समय, ये देखिए यहाँ पे मैंने भी कुछ लगाई हैं, इसमें भी मैंने ग्रो करी है, और यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह की कटिंग होती है इसकी, इस तरह के प्लांट होते हैं, तो आप टर्टल वाइन को भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। छोटी से छोटी कटिंग आप इतनी छोटी सी भी टिप तोड़ करके और इस तरह से कहीं भी रख देंगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। देखिए, इसको हम इसी में रख देंगे और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। आप ये बेबी टीयर्स को भी लगा सकते हैं कटिंग से, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और इंडोर प्लांट की बात करें तो आप ये ड्रेसिना की कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से चलने वाले प्लांट हैं, तो आप मनी प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। और वैंडरिंग जीव की कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, और देखिए मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया है, बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाते हैं और एक हफ्ते में इनमें रोटिंग स्टार्ट हो जाती है। आप ये देखिए पोर्चुला का और पर्सलेन की भी कटिंग लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से इनमें फ्लावर आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर आते हैं, और मैंने भी इनकी कटिंग कुछ ग्रो करी है, ये देखिए यहाँ पर, और बहुत ही आसानी से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत आसानी से चल जाते हैं। ये पर्सलेन है और ये वाला पोर्चुला का है, ये देखिए। इसके बाद देखिए आप चांदनी की भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग भी चल जाती है, और इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से, तो आप इनको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं।
ये देखिए ये रोज प्लांट है, ये तो हाइब्रिड है, आप इस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। देखिए इस तरह के फूल आते हैं इसमें, ये देसी रोज है और बहुत ही आसानी से कटिंग से चल जाते हैं। उसके बाद आप यूफोर्बिया मिली की कटिंग लगा सकते हैं। इसकी कटिंग जब भी आप लगाएं दो तीन दिन इसको छाया में सुखा करके ही लगाएं, नहीं तो इसमें क्या होगा, नीचे से दूध की तरह निकलता है, उसकी वजह से इसमें फिर फंगस लग जाता है अगर आप डायरेक्ट इसको लगा देंगे तोड़ के। तो आप इसको काट के दो तीन दिन पहले छाया में रख दीजिए, उसके बाद ही इसकी कटिंग लगाइए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। देखिए मैंने दो प्लांट लगाए थे कटिंग से और अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। एक प्लांट यहाँ पर है मेरे, ये देखिए ये पपीता का ग्रो हो गया इसलिए इसकी ग्रोथ रुक गई है बिल्कुल से, नहीं तो फ्लावरिंग ये भी बहुत अच्छी कर रहा था। उसके बाद आप टिकोमा की कटिंग भी लगा सकते हैं, ये देखिए टिकोमा बुश, और इसकी वाइन भी आती है तो आप वाइन को भी लगा सकते हैं, बुश को भी लगा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ब्यूटीफुल से इससे फ्लावर आते हैं, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये तो मेरे गार्डन में पूरे साल चलता रहता है, वैसे समर और रेनी सीजन इसका बेस्ट टाइम है फ्लावरिंग का, तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। आप अगर 100 प्लांट में आप लगाना चाहते हैं तो आप एक लीफा की कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल सी पत्तियाँ होती हैं इनकी, ये बिल्कुल कोलियस की तरह इनकी पत्तियाँ दिखती हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से, तो आप इनको भी लगा सकते हैं कटिंग से। और यहाँ पर भी देखिए मेरा एक टिकोमा का प्लांट है, इसको मैं थोड़ा सा प्रून करने वाली हूँ ताकि समर में मुझे अच्छी फ्लावरिंग दे सके फिर। और उसके बबाद आप मैरीगोल्ड की भी कटिंग लगा सकते हैं, ये तो ऑल टाइम चलने वाले फ्लावर हैं। आप यहाँ पर देखिए चंपा की भी कटिंग लगा सकते हैं, इसमें फरवरी में इनकी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है। और जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं तो आप इसको तीन चार दिन छाया में सुखाकर उसके बाद इसकी कटिंग लगाएं ताकि नीचे से कोई फंगस वगैरह ना लगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको थोड़ा सा हमको सुखा करके उसकी कटिंग लगानी चाहिए। आप अलमंडा की कटिंग लगा सकते हैं, ये देखिए अलमंडा, ये अलमंडा बूस है और वाइन भी होती है इसकी, है तो आप दोनों में से किसी की भी कटिंग लगा सकते हैं। और अभी मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है बिल्कुल, तो देखिए न्यू न्यू शूट इसमें आने लगी हैं और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसमें येलो कलर के बिल्कुल ट्रम्पेट की तरह फूल आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो अभी इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और जैसे ही ये अच्छी फ्लावरिंग पर आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है ये प्लांट। मैंने भी इनको कटिंग से तैयार किया है। यहाँ पर देखिए मैक्सिकन पिटूनिया है, आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं, इसमें इस तरह के फूल आते हैं और जब इसकी फ्लावरिंग होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, पूरी पूरा गमला आपका पूरा फूलों से भर जाता है। और देखिए मैंने एक कटिंग यहाँ पे लगाई थी और एक कटिंग से कितने ज़्यादा प्लांट यहाँ पर बन गए हैं, और अभी मैंने सबकी प्रूनिंग भी कर दी है ताकि इसमें न्यू न्यू अच्छी ब्रांच आए और फिर प्लांट अच्छे से हेल्दी ग्रो हो, तो ये इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए नाग चंपा की मैंने कुछ कटिंग लगाई है, तो आप नाग चंपा को भी कटिंग से लगा सकते हैं, और आप इसको अगर कटिंग से लगाते हैं तो आप इसको भी तीन चार दिन सुखा कर ही लगाइए। तो यहाँ देखिए मैंने तीन चार कटिंग लगाई है और प्योर सैंड में लगाई है, आप सैंड और सॉयल को मिक्स करके लगा सकते हैं, फिर सैंड में भी लगा सकते हैं और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाती है। उसके बाद आप मोगरा के प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और पूरा गार्डन आपका बिल्कुल फूलों से महक उठेगा इसका प्लांट अगर आप घर में अपने लगाते हैं तो। और देखिए मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी, उसके बाद न्यू ग्रोथ कितनी अच्छी स्टार्ट हो गई अभी, जबकि मैंने कोई फर्टिलाइज़र वगैरह भी इनमें नहीं दिया है, और इतनी ज़्यादा इनकी मिट्टी हार्ड हो चुकी है कि मुझे गुड़ाई करने में बहुत परेशानी हो रही थी, कल मैंने थोड़ी सी गुड़ाई भी करी है, उसके बाद मैं अब इसको फर्टिलाइज़र भी दूंगी। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं और आप हिबिस्कस की भी कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक चंपा का प्लांट है, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।